ये सच्चाई है। भाजपा को 15 साल से देख रहे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और बड़े कूड़े के ढेर छोड़ो, नए और भी बनाने की सोच रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है आम आदमी पार्टी के, इसका खामियाजा कहीं भुगतना पड़ सकता है? कहीं भी नहीं भुगतेंगे, भेड़िए हैं, इनके पास कोई काम है नहीं। 15 साल से दिल्ली का नाश किया इन्होंने और कोई नाम नहीं। ये विकास के बारे में क्यों नहीं कहते कि हम दिल्ली के अंदर विकास करेंगे? मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी पारा तेज है और इस दौरान मैदान में तमाम राजनीतिक दल के नेता मैदान में उतरे हुए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वार्ड नंबर 116 जहां आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है कृष्णा राघव। क्या कहना चाहेंगे, इस बार एमसीडी चुनाव को कैसे देखते हैं? एमसीडी चुनाव को हम इसी नज़रिए से देख रहे हैं कि हम कृष्णा राघव अगर एमसीडी में जीत के आती है, सबसे पहले ये कूड़े के पहाड़ हैं जो जगह जगह, इन्हें उठाएंगे और क्षेत्र में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और बिंदापुर वार्ड को एक सुंदर वार्ड बनाएंगे और पूरा जनता में अपना हम तैयार रहेंगे सेवा के लिए। तो अपने यहाँ पर जनता के बीच में एक गाड़ी कूड़े की है सामने दिख रही है हमें, वहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है कि बीजेपी को वोट देंगे तो ये कूड़े का पहाड़ ऐसे ही पड़ा रहेगा, कूड़ा रहेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो कूड़ा हटेगा। ये सच्चाई है। भाजपा को 15 साल से देख रहे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और बड़े कूड़े के ढेर छोड़ो, नए और भी बनाने की सोच रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो बड़े भी हटेंगे और छोटे कूड़े के पहाड़ भी, कहीं पे भी कूड़ा नहीं मिलेगा, सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपके सामने दो और कैंडिडेट हैं, मानते हैं आपके लिए चुनौती है, कांग्रेस से हो बीजेपी से है, उनके सामने कैसे देखते हैं अपने आप को? हम उनके सामने हम क्या देखेंगे, जनता दिखा रही है अपना प्यार, जनता की भीड़ दिखा रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ है और राघव जी की सेवा का ये रिजल्ट है जो जनता आपके सामने है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या लगता है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? आम आदमी पार्टी का इतना काम करती है तो जनता उनके साथ है पूरी तरह से। चलिए, इनके पति मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं यही इलाके से, कैसे देखते हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है आम आदमी पार्टी के, इसका खामियाजा कहीं भुगतना पड़ सकता है? कहीं भी नहीं भुगतेंगे, भेड़िए हैं, इनके पास कोई काम है नहीं। 15 साल से दिल्ली का नाश किया इन्होंने और कोई नाम नहीं। ये विकास के बारे में क्यों नहीं कहते कि हम दिल्ली के अंदर विकास करेंगे? ये वीडियो बना बना के झूठी ऐसे दे रहे हैं। हम विकास के प्रतीक है और क्षेत्र में विकास करेंगे और जनता आप देख रहे हो कितनी जनता है, ये जनता हमें दिल्ली के अंदर एक रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजेगी और हम क्षेत्र का विकास करेंगे। मिश्रा जी, किन एजेंडा को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रहेगी प्राथमिकता इस बार? सबसे पहले सफाई की प्राथमिकता है, क्षेत्र के अंदर गंदगी खत्म कर देंगे, बिल्डिंगों से जो पैसे उगाही होते हैं वो खत्म करेंगे और जहाँ जहाँ पे नालियाँ नहीं बनी है, नालियाँ सफाई नहीं होती है, वो भी हम करेंगे। इस बार क्या मानते हैं, एमसीडी चुनाव जो है तीनों ही कैंडिडेट महिला सीट है, पूरे 5 साल आपने मेहनत की, आपका कहना है, जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा, 80% मेरे पक्ष में जा रहा है, मेरे मिसेज के पक्ष में जा रहा है, 80% वोट बिंदापुर से मुझे मिलेंगे और कांग्रेस के तो कहीं खाते में नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 200 वोट मिल जाएंगी। बीजेपी रही वो ऐसी कैंडिडेट है, वो अपना शरीर ही नहीं संभाल पा रही है, वो खुद बीमार रहती है, तो उसको भी ये लगा लो उसकी जमानत जब्त करने के लिए जा रहा हूँ। मंच से आपने कई आरोप लगाए कांग्रेस को लेकर, पूर्व विधायक मुकेश शर्मा को लेकर, जिस तरह गलियों में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे वो लोग, कह रहे हैं विपक्ष वाले कि आम आदमी पार्टी के पास ऐसे नेता नहीं है, ऐसे चेहरे नहीं है जो कि गलियों में घूम सके, अपने प्रचार कर सके? नेता मेरे से बड़ा नेता एक बार बताओ, वार्ड का नेता सबसे बड़ा मैं हूँ और दिल्ली का केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, हमारे सुशील गुप्ता जी, संजय सिंह जी, ये बड़े बड़े बैठे हैं, लेकिन बिंदापुर में मैं बैठा हूँ ना, क्षेत्र का काम करता हूँ, नरेश बालियान जी बैठे काम करते हैं, कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। अगर विश्वास जताती है जनता, क्या मार्जिन रहेगा, क्या उम्मीद लगाए बैठेंगे जनता इस मार्जिन से हमें जिताएगी? 80% कृष्णा राघव को वोट पड़ेंगे, 20% में ये हाथी घोड़े बिल्ली कोई भी ये निशान है इनको पड़ेंगे। चलिए, एमसीडी चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस दौरान मेरे साथ कैंडिडेट थे वार्ड 116 से और जिनसे मेरे बेबाकी सवालों के बड़े ही सरलतापूर्वक जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावल और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।